आप देख रहे हैं INN न्यूज, मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए मजदूरों के लिए घर वापसी का इंतजाम न करने पर हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मुल्क की तामीर के लिए इन फरिश्तों के साथ नाइंसाफी हुई है, लिहाजा कांग्रेस अपने घरों को लौट रहे मजदूरों का रेल किराया बर्दाश्त करेगी। मिसेस गांधी ने पीर को यहाँ जारी करदा एक बयान में इन मजदूरों को उनके घर तक जाने का रेल किराया देने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल में फंसे हुए मुल्क के लोगों के तहीं अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम हुई है, जिसकी वजह से आज भी लाखों मेहनतकश और कारकुन पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बेबसी से घर वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास न जरिया है और न पैसा। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि रेलवे की वजारत इन मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल सफ़र का किराया वसूल कर रही है। ये हैरत की बात है। जो वजारत रेल वज़ीर आज़म के कोरोना वायरस फंड में 151 करोड़ रुपये का ताउन दे सकती है, वो तरक्की के इन अलमबरदारों को आफत व मुसीबत की इस घड़ी में मुफ्त रेल के सफ़र की सहूलत देने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर रही है। प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और ना ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क में तीसरे मरहले का लॉकडाउन आज से नाफिज हो गया है। मरकजी हुकूमत ने जुमा को लॉकडाउन की मुद्दत 4 मई के बाद मजीद 2 हफ्ते बढ़ाए और कम खतरे वाले अजला में खातिर खा नरमी का भी ऐलान किया है। वजारत सेहत ने मुल्क के 700 से ज़्यादा अजला को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तकसीम किया है और इसी मुनासिबत से हर जोन के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ग्रीन जोन के इलाके में आवाम को इकट्ठा होने और इज्तिमात वगैरह को छोड़कर अमली तौर पर रोज़मर्रा की सभी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ये पैगाम देना चाहती है कि भारत लॉकडाउन से मरहलावार तरीके से बाहर निकल रहा है, जहाँ के बाद एक सरगर्मियों की इजाज़त दी जा रही है। फिजाई सफ़र, दिल्ली मेट्रो और सड़क के ज़रिए बैन रियासती आमदरफ्त की इजाज़त लॉकडाउन के तीसरे मरहले में भी नहीं है। स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ताहम ज़िराअत से मुतालिक सभी कामों को इजाज़त है। में बसें चलेंगी लेकिन उनमें जोन्स होंगे, ऐसे सिर्फ 50% मुसाफिर बैठ सकेंगे। पूरे मुल्क में सामान की गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त होगी। गैर घेराबंदी वाले इलाकों में अलग शराब की दुकानों और पान की दुकानों की इजाज़त होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस COVID-19 वबा से मुतासरीन की तादाद मुसलसिल बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 2553 नए केसेस सामने आए हैं और मजीद 72 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1375 हो गई है। मुल्क की अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 42553 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस से मुतासर 1074 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 11707 तक पहुंच गई है।
मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक करोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में हो चुका है। कोरोना वायरस की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब इससे दुनिया भर में अब तक 24,05,791 अफराद की मौत हो चुकी है और 34,77,361 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। ब्राज़ील में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1,00,000 से तजावज़ करने के साथ ही इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 7,000 से तजावज़ कर गई है। बरतानिया में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से मज़ीद 315 अफराद के हलाक होने के बाद इससे हलाक होने वालों की मजमू तादाद 28,446 पहुँच गई है। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस कोविड के 8 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही मुल्क में मुतासरीन की मजमू तादाद बढ़कर 10,801 हो गई है और अब तक 252 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 21 नए केसेस सामने आए हैं। GHMC हदूद में 20 और जगत्याल में 1 केस रियासत में आज तक जुमला केसों की तादाद 1,082 को पहुंच गई है। 46 अफराद आज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। मज़ीद 508 अफराद ज़ेर इलाज हैं। अभी तक जुमला 545 अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए। 29 अफराद की मौत हुई हैं। वरंगल, यादादरी, वनपर्ती अजला में कोरोना के 0 केसेस हैं, जबकि करीमनगर, सिलसिला कामारेड्डी, महबूबनगर, मेदक, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, मुलक, पैदापल्ली, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, मंचरियाल, भद्रादरी, विखाराबाद, नलगुंडा, नारायणपेट, इन तमाम अजला में 14 दिन से कोई मुस्बित केस नमूदार नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 67 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से हर दिन इस सिलसिले में बुलेटिन जारी किया जा रहा है। इस खसूस में पीर को नए मामलात की तफसीलात के साथ बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1,650 तक जा पहुँची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले करनूल में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िला गुंटूर है, जहां 19 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िले कृष्णा रहा है, इस ज़िले में 12 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। सदर हैदराबाद बीजेपी और रुकने खान सास काउंसिल एम रामचंद्र राव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कोरोना वायरस और उसकी रिलीफ पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मरकज़ की जानिब से रियासत को फराहम की जाने वाली राहत पैकेज से अवाम को वाकिफ नहीं करवा रही है। आज बंजारा फंक्शन हॉल में मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी की जानिब से हैदराबाद और सिकंदराबाद के गरीब अफराद में 10,000 मोदी किट्स जो अशियाए ज़रूरिया पर मुश्तमिल की फराहमी पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना के टेस्ट पर बराबर न करते हुए इस मर्ज को फैलाने के लिए कोशिश कर रही है और सिर्फ बराए नाम मरीजों की तादाद बढ़ाते हुए अपनी रियासत को कोरोना फ्री रियासत में तब्दील करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सिकंदराबाद पार्लियामेंट में गरीबों के लिए अब तक भारतीय जनता पार्टी कई तरह से सहायता कर रही है, खाना खिला रही है, उनको धान दे रहे हैं, तरह तरह के रेशन दे रहे हैं। आज किशन रेड्डी साहब जो है यहाँ पर 10,000 किट्स तैयार करके सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीब लोगों को कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बूथ वाइज बांटने के लिए यहाँ पर पूरे पैकिंग हो रहे हैं। यहाँ पैकिंग का जो लॉरी लोड है इनका फ्लैग ऑफ जो है हमारे राज्य के अध्यक्ष पंडित संजय ने किया है और उसके साथ साथ गरीबपाट मोहन राव जी और हमारे एक से MLA रामचंद्र जी और कई लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमारा यही कहना है कि गरीबों को सहायता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने है, लेकिन जो है TRS पार्टी जो है इसको राजनीति कर रही है। TRS पार्टी जो है कोरोना वायरस के ऊपर उनके मंत्री पूरे गलत गलत बयान दे रहे हैं। वो हमारे जो सेवा कार्यक्रम हो या हमारे जो सलाह कर रहे हैं हम इस सरकार को, वो उसे लेना नहीं चाहती है और उसको राजनीति करना चाहती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, किसानों का मामला हो या गरीबों का मामला हो
इस पर हम पूरी तरह से हम अपने आप को भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे एक कमिटेड के एक कमिटेड कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में लगी हुई है और ये सेवा जो है हम तब तक करेंगे जब तक लॉकडाउन नहीं हटता है। और सरकार भी जो कोरोना के मामले में जो अपना रवैया अपना रही है वो बहुत बड़ा गलत है। आज पेशेंट्स को कम करने के लिए टेस्ट कम कर रहे हैं और जो है जो जनता को सही तरह से ये उनका फिगर नहीं बता रहे हैं और जनता जो है आज परेशान में है कोविड की जो स्थिति आज तेलंगाना में है। मैं यही डिमांड करता हूँ तेलंगाना सरकार से कि टेस्ट आप ज़्यादा कीजिए और मरकज़ से जो लोग आए हैं उनके भी टेस्ट कीजिए, उनके परिवार का टेस्ट कीजिए और जनता को और हैदराबाद की जनता को तेलंगाना की जनता को करोना। सदर तेलंगाना जना समिति कोदंडा राम ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो 3 लाख महाजरीन की मौजूदगी का दावा कर रही है लेकिन सिर्फ 2 लाख के लिए खाना और दीगर सहूलियात का इंतज़ाम कर रही है जबकि हमें मौसूला इत्तलात के बमोजिब रियासत में 7 लाख महाजरीन कसमपुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके मसाइल का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो रियासत के पूरे हॉस्पिटल्स में कोरोना के टेस्ट और इलाज की सहूलत फराहम करें। इसके अलावा चावल के साथ तेल, दाल और दीगर ज़रूरी अशिया भी फराहम करें। माह रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में गरीब मुसलमान जो ठेला बंडी पर काम करते थे और उनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन फराहम करें। ये कोरोना के माहौल में हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ जितने भी कारोबार है पूरा बंद हो गया और लोगों को कोई आमदनी भी नहीं, साथ साथ में तबीयत भी ख़राब हो गए बहुत सारे लोगों को कोरोना के वजह से। और ये इसको रोकने के लिए, कोविड को रोकने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि सरकार ने ये इसको रोकना और जब तक ये नहीं रोकता तब तक हमारा कारोबार भी हम पहले जैसा चलता था उसी तरीके से चलने का अभी माहौल भी नहीं आता। तो ये हम सरकार को बताने की कोशिश कर रहे और अब तक तो सरकार से बातचीत करने का कोई मौका तो नहीं था, इसीलिए हम चीफ सेक्रेटरी से मिला और साथ साथ में गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी से भी हमने मिले और हम ये साथ बताया। नंबर 1, टेस्ट करने का जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा टेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात हमने कहा टेस्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ है ये फैसिलिटीज़ न सिर्फ हैदराबाद में लेकिन पूरे ज़िलों में भी होना चाहिए और ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटीज़ पूरे ज़िलों में भी इसका कायम करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात हमने बताया कि सिर्फ चावल देने से कुछ नहीं होता, चावल के साथ साथ वो भी अच्छा है ज़रूरी है लेकिन चावल के साथ साथ दाल भी दे दीजिए और साथ साथ जितना ज़रूरी है उतना तेल भी दे दीजिए और जो 1500 देते हैं वो 1500 को बढ़ा दीजिए, 5000 सब लोगों को दे दीजिए, ये हमारा विनती है। और जितने भी लोग ये रेशन कार्ड के लिए दरखास्त रखे हैं लेकिन उनका मंजूर नहीं हुआ। सदर रियासती तेलुगु देशम पार्टी एल रमना ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह कल होने वाली काबिनी इजलास में 1500 रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 5000 रुपये करने को खतियत दें। राजभवन पर मीडिया से खिताब करते हुए रमना ने कहा कि रियासती हुकूमत कोविड-19 के इन हालात में गरीब अवाम के मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं है चूँकि गरीब अवाम और महाजिर मजदूर हुकूमतों के खिलाफ सड़क पर निकल आए हैं मगर हुकूमत उनके मसाइल को हल करने के लिए किसी किस्म के इकदाम के लिए तैयार नहीं है। में सरकार ने गरीब लोगों को मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहे। 6 हफ्ते से जो लॉकडाउन है, जो काम करे तो इनको पेट में आता, उन लोग बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग ने 1 महीने को 5000 हर गरीब फैमिली को देके फाइनेंशियल सपोर्ट करना, मदद करना बोल के हम विनती कर रहे हैं मगर वो सामने, इसलिए आज हमारा स्टेट गवर्नर साहब मैडम से मिल के गवर्नमेंट को सजेशन दीजिए तेलंगाना में से हर गरीब फैमिली को 5000 हर महीने को दिलाना और जो फसल आया वो पूरे का पूरा गवर्नमेंट ने खरीद करते बोले अब तक सही तरीके से नहीं खरीद कर रहे, वो पूरा खरीद करना, उसका पेमेंट करना। जो लेबर है यहाँ लोकल में सो बिल्डिंग लेबर और डेली लेबर और जो इतना अदर स्टेट से आए सो लेबर और हमारा गल्फ में सो लेबर, उन लोगों को सही तरीके से पैकेज बनाना
और ये गरीब लोगों को मदद करने के लिए हम आज विनती करें, मैडम ने गवर्नमेंट को सजेशन दे दे बोले, इसलिए हम लोग ने गरीब लोगों के लिए कल दीक्षा कर रहे हैं। कल कैबिनेट मीटिंग चले, मीटिंग से पहले ये पूरा मदद और गरीब लोगों को रखना और गरीब लोगों को सपोर्ट करना, गरीब लोगों को हर फैमिली को 5-5 हज़ार हर महीने को देने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। थैंक यू। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मालिक मकान को 3 महीने का किराया हुकूमत से अदा करे, क्योंकि मालिक इन किरायेदारों के किराया अदा ना करने पर घर से तख्लिया के लिए दबाव डाल रहे हैं। वो लोग जो 40 दिन से लॉकडाउन के बाद रोज़मर्रा के मामलात की अंजामदेही में बेबस हैं, तो किस तरह किराया अदा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बर्की बिल्स को माफ़ कर दिया जाए। जगह रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मजीद मुतालबा किया कि वह देहातों में हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 1500 रुपये राशन साहब से ही अदा करें, क्योंकि इस गर्मी में देहातियों को 5 से 6 किलोमीटर सफ़र तय करते हुए बैंक या एस सेवा जाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ भी उन्हें पैसा दस्तियाब नहीं है। डिमांड 2 दिन इम्पॉर्टेंट डिमांड्स हैं पब्लिक के लिए। मेरा पहला मैं सीएम साहब से मेरा दरख्वास्त है कि पहले आज का दिन देखो, ये जब 40 दिन से कुछ काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, पब्लिक परेशान में है, अभी देश में परेशान में, वर्ल्ड में परेशान है, अपन का स्टेट में अभी ज़्यादा परेशान में, तेलंगाना स्टेट में। मैं केसीआर साहब को दरख्वास्त ये कर रहा हूँ, जो किराएदार रहते हैं वो लोगों को पैसे बनने के लिए नहीं है। सीएम साहब बोले कि वो लोगों को ज़बरदस्ती से पैसे वसूल नहीं करना बोल के बोले, मगर आज नहीं करे तो भी 2-3 महीने के तो बाद में तो बनना पड़ता, उतने पैसे बनने बोले तो मुश्किल होता गरीब लोगों को। इसलिए जो जो किराए मकानदार किराए रहता है वो लोगों को सबको गवर्नमेंट इच्छू वो पैसे बन के वो लोगों को बचा ले बोल के मेरा डिमांड है। दूसरा डिमांड है गाँव में या टाउन में, विलेजेस में समझो या टाउन में समझो, जितने भी घरों के लिए करंट रहता बिल्स आता, टोटली कोरोना के जितने दिन रहता, कितने महीने रहता, पूरा बिल्स करंट बिल्स भी माफ़ करना, ये सेकंड डिमांड है। ये 2 डिमांड पब्लिक का डिमांड है। हम कैसे हिसाब से मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप भगीरथी के लिए आप खाली। हैदराबाद सिटी पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सीज की गई गाड़ियों को मुख्तलिफ चालानात के साथ मालिकीन को वापस करने का फैसला किया है। बावसूख ज़राए से मिली इतला के बमोजिब ईस्ट जोन में 9,000, वेस्ट जोन में 13,000, साउथ जोन में 8,000, नॉर्थ जोन में 1,700 और सेंट्रल जोन में तकरीबन 2,200 गाड़ियों को, जिन पर मामूली दफात लगाए गए हैं, चालानात वसूल करते हुए वापस करने का फैसला किया गया है। किसानों के मसाइल पर आज सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफ्द ने गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सुंदरराजन से राजभवन पर मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। बाज़ार मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में क्योंकि कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं, मीडिया पर KCR खौफतारी कर रहे हैं। हम आज हैदराबाद के डॉक्टर्स मरकज़ी टीम की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखकर और गवर्नर को याददाश्त पेश किए हैं। कोरोना से जो अमवात हुई हैं इसको राज में रखा जा रहा है। महाजरीन मजदूरों के ताल्लुक से भी हुकूमत के पास कोई आदाद व शुमार नहीं है। रिलीफ मेजर्स में या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोक्योरमेंट में इस गवर्नमेंट ने पूरी तरह से फेल हो गए। लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं। हम इस सारे विषय गवर्नर साहिबा श्रीमती तमिलसाई सौंदरराजन को हमने बताया है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोरोना रिलीफ मेजर्स और अग्रेसिव लेके आगे चले। हम ये चाहते हैं ये 1500 रुपये जो ये बोल रहे हैं, एक पूरी फैमिली को एक महीने के लिए, ये कहीं की नहीं है, आप कम से कम इसको 5000 रुपये कर दीजिए। और ये भी बोल रहे हैं कि जो आप पूरी जो आप बात आप और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया इसको पूरा करिए, और स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है अब उसके बारे में भी एक वाइट पेपर मांग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना वायरस पे, जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है या जो कोरोना वायरस डेथ्स है उसके बारे में हमें पूरी स्टेट को और हमें भी कुछ अनुमान है इसके बारे में।
रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नए तामीर करदा कोहाड़ फ्रूट मार्केट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वज़रा पार्लियामेंट ने बुलंद बांग दावे करके आधी रात को मार्केट को यहां मुंतकिल कर दिया। टीआरएस हुकूमत एक नाहल हुकूमत है, रियासत को चीफ मिनिस्टर से कुछ ताल्लुक से भी नहीं है। हमारे समझ से बाहर है, हुकूमत नई मार्केट तैयार कर चुकी है कहकर झूठ का सहारा लिया। यहाँ कोहाड़ मार्केट में पानी तक नहीं है, किसान तकालीफ का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के दौर में 70 एकड़ पर कोहेड़ा पर फ्रूट मार्केट का की मंजूरी दी गई थी, एक दिन की बारिश में 4 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोहेड़ा मार्केट के लिए 100 करोड़ रुपये फंड्स फौरी जारी करे। ఇప్పటికి మాకు కానీ ప్రజలకు కూడా అర్థమవుతలేదు. అంటే అక్కడ ఉన్న కేసు అక్కడ ఉంటే కేసులు వస్తాయి, ఈ ఇక్కడ ప్రాంతంలో ఇక్కడ వచ్చి కేసులు వచ్చి సచ్చినా ఏం కాదనుకుంటున్నా. నేను ఇక్కడ ఎట్లా పట్టుకురాని ఎమ్మెల్యే ఉన్నది కాబట్టి ఆ ఎమ్మెల్యే ఏం చేయలేదు కాబట్టి మాగే పెట్టేదా అనుకున్నాం. ఏమనుకునేది పూర్తి వసతుంది ఇక్కడ మార్కెట్ డెవలప్ చేయాలి, చుట్టూ అన్ని డాంబర్ రోడ్లు చేయాలి, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ రోడ్లు కలపాలి, ఈ ప్రాంతాన్ని అగ్రికల్చర్ హబ్గా చేయాలని మేము ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనుకున్నాం. కానీ కరోనా వచ్చిన సమయంలో ఎక్కడ కేసులు అక్కడ తొలిచి ఆ జనాభాలో వచ్చిపోయిన జనాభాలో ఆ ప్రాంతంలో కేసులు వస్తాయని చెప్పి सदर तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय ने आज मोदी किट्स की गाड़ियों को बंजारा फंक्शनल हॉल से झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी से इजहार तशक्कुर करता हूं, जिन्होंने रियासत के लिए मोदी किट्स फराहम किए। उन्होंने कहा कि हमारी भूख हड़ताल पर KCR मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या KCR ने तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल नहीं की थी। उन्होंने कहा कि एक ना तजुर्बाकार चीफ मिनिस्टर की वजह से आज रियासत में कोरोना वायरस को फरोग हुआ है। देश प्रजल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मीद विश्वास नमक तो लाकडौन प्रकटो ये व्यक्ति आकल तो अलमटा विश्वास आलोचन तो लाकडौन प्रकटो आनाट नीचे ईना वरक లాక్డౌన్ పూర్తి వరకు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త ప్రతిరోజు కనీసం 5 గంటలకి సేవా దృక్పథంతో భోజన వితరణ కార్యక్రమం కానీ ముడి సరుకుల వితరణ కార్యక్రమం కానీ చేయాలని చెప్పి పార్టీ కేంద్ర నాయకత్వం నిర్ణయించిన తర్వాత వారి నిర్ణయం మేరకు శ్రీ జేపీ నడ్డా గారి యొక్క పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के पेश नज़र आंध्र प्रदेश में शराब की फरोख्त पर लगाई गई पाबंदी अब हटा ली गई है। आज से शराब की फरोख्त रियासत में शुरू कर दी गई, जिसके साथ ही इन दुकानात के करीब लोगों का हुजूम देखा गया। ताहम पुलिस ने इन दुकानात के करीब शराब की ख़रीदारी के लिए आने वाले अफराद के समाजी फासले को यकीनी बनाया। रियासत के कंटेनमेंट जोन्स के सिवा दीगर इलाकों में शराब की दुकानात खोल दी गई हैं, जिसके साथ ही आज सुबह इसे मुख्तलिफ मुकामात से आकर लोगों ने शराब की ख़रीदारी शुरू कर दी। गुंटूर ज़िले के बेलमकोंडा इलाके में शराबियों का हुजूम देखा गया। इसी तरह नेल्लूरू, विशाखापट्टनम, चित्तूर, तिरुपति, अनंतपुर, विजयवाड़ा और दीगर मुकामात में भी शराब की फरोख्त शुरू करने के साथ ही दुकानात के करीब बड़ी तादाद में लोग देखे गए। शराब की फरोख्त का आगाज़ 11 बजे दिन हुआ, जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। शराब को 25% ज़ायद शराब पर फरोख्त किया जा रहा है, ताहम महंगी शराब को भी हासिल करने के लिए लोगों का हुजूम नज़र आ रहा है। इसी दौरान ज़िले नेल्लूर के उगुलू मंडल में आज खोली गई शराब की दुकान को मुकामी ख्वातीन ने बंद करवा दिया। इन ख्वातीन ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खौफ के दरमियान उनके इलाक़े में इन दुकानात को ना खोला जाए। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मुलगिर लॉकडाउन के तीसरे मरहले की शुरुआत शराब के आदि अफराद के लिए राहत भरा है। लखनऊ, कानपुर और गाजीपुर समेत रियासत के ज़्यादातर अजला में शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। सामाजिक दूरी पर अमल कराने के लिए इतवार की शाम से ही शराब की दुकानों के बाहर दायरे बनाए गए थे। दुकानों के खुलने का वक्त सुबह 10 बजे तय था, लेकिन इससे काफ़ी पहले ही लोग दुकानों के सामने कतार में खड़े थे। हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा
खरदा कीमत यानी MRP पर शराब खरीदने की इजाज़त नहीं दी है। तय कीमत से ज़्यादा वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले शुबा का इजहार किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान रोज़गार ख़त्म होने का सीधा असर शराब की फरोख्त पर पड़ेगा, जिससे महकमे आबकारी के ज़रिए रेवेन्यू इजाफे की हुकूमत की मंशा को झटका लगेगा। लेकिन शराब के आदि अफराद ने सभी शुबात को गलत साबित कर दिया और दुकानें खुलते ही बड़ी तादाद में शराब की बोतलें खरीदी। इस दौरान कुछ जगहों पर मारपीट और शोर शराबे के कुछ वाक़यात भी पेश आए, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को मामूली ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन ज़्यादातर मुकामात पर लोगों ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी बारी का इंतज़ार किया। वहीं दूसरी जानिब शराब के फरोख्त के खिलाफ भी कुछ लोगों ने आवाज़ें बुलंद की। लोग हुकूमत के इस फैसले पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। नीज़ शराबियों के हवाले से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मिजाहिया पोस्टों का दौर जारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में कोरोना वायरस पर तश्वीश का इजहार किया। उन्होंने आज खुसूसी इजलास से तलब किया और इस इजलास में रियासती वजीर सहित इटाला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम नरसिंह राव और शांति कुमारी, जनार्दन रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने रियासत की ताज़ा सूरत हाल में कोरोना वायरस पर काबू हासिल करने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमलावरी की जाए, उन्होंने इसका हुक्म दिया। चीफ मिनिस्टर कल काबिनेट इजलास के मौके पर अहम फैसले लेने के बारे में संजीदगी के साथ जायज़ा ले रहे हैं। KCR 7 मई के बाद मरहलावार चंद तब्दीलियाँ लाने के लिए कोशा हैं। प्रगति भवन में यह इजलास जारी रहा। गांधी दवाखाने में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने आज अचानक एहतजाज शुरू किया और मुतालबा किया कि GHMC के सफाई कर्मचारियों को जो तनख्वाहें दी जा रही हैं इसी तरह उन्हें भी दी जाएं। उनका कहना है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर कोरोना वायरस के मुसबित केस के वार्ड्स की सफाई कर रहे हैं। हम कई दिनों से गांधी अस्पताल में रहकर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हम ख़ानदान से भी दूर हो गए। हुकूमत हमें इत्मीनान बख्श तनख्वाहें दे, उन्होंने मुतालबा किया। लोगों के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद 9 लोगों के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद इंतजामिया ने वनस्थलीपुरम की 8 कॉलोनियों में कंटेनमेंट जोन बना दिए। तकरीबन 169 खानदानों को उनके घरों पर ही क्वारंटीना कर दिया गया। तेलंगाना में इतवार को 21 कोरोना वायरस के मामले सामने आए, जिसमें वनस्थलीपुरम के 9 मामले भी शामिल हैं जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में वाक़ हैं। 3 खानदानों के 9 अफराद के कोरोना वायरस से मुसबित टेस्ट आने के बाद अहदेदारों ने कंटेनमेंट जोन बना दिया और इन इलाकों में आने और यहाँ से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी और बैरिकेड्स भी लगा दिए और उन कॉलोनियों में तमाम शॉप्स और मार्केट्स को बंद रखने की हुकूमत ने अहकाम भी दिए हैं और इस इलाके के सभी मकीनों को घरों में ही रहने का हुक्म दिया गया है। मुकामी MLA सुधीर रेड्डी ने इस इलाके का दौरा किया और आवाम से ताउन की ख्वाहिश की और कहा कि खवानीन की सख्ती से पाबंदी करें ताकि कोरोना वायरस के इंसदाद में मदद मिले। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान बास मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश होगी और तूफ़ानी हवाओं के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि शुमाली साहली आंध्र प्रदेश के तमाम अजला के बास मुकामात याना में आइंदा 5 दिनों के दौरान और आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी साहली आंध्र प्रदेश के अजला प्रकाशम और नेल्लूर में बारिश का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत इम्कान है कि 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना साहली पियानम और रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 43.4 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद और 42.4 डिग्री सेल्सियस आंध्र प्रदेश के ज़िले कुरनूर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।